Hello everyone, welcome to my channel Learn by Heart with Payal. Hope you all are good. Today we will learn, learn Class 1 English Literature Book Long Man New Images Ka Chapter Number 11 Friends in Need. Let's start our chapter. नेम ऑफ द चैप्टर फ्रेंड्स इन नीड थिंक थीम ऑफ द चैप्टर फ्रेंड्स एंड पेट इस चैप्टर का वर्ड फोकस क्या है नीड नीड मीन्स इट इज अचुएशन वेर समन रिक्वायर्स हेल्प नीड मीन्स जरूरत एक समय जहां पर किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं नीड नीड मतलब जरूरत क्रॉस कनेक्ट क्या है नीड्स नीड need का अलग मतलब क्या होता है जब नीड के साथ एस जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं नीड्स नीड्स आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू लीव द वे वी नीड्स है, है चीजें जो हमें चाहिए अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए उसे

इन अ फॉरेस्ट देअर लिव्ड फोर फ्रेंड्स अ डियर एंड अ tortoise. एक समय की बात है एक जंगल में चार दोस्त रहते थे एक माउस मत चूहा एक कौआ एक हिरन और एक कछुआ तो कौन कौन रहते थे कौन कौन दोस्त थे फोर फ्रेंड्स के नेम माउस क्रो डियर एंड अ टॉटविज दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प इच आदर एगेंस्ट देअर बिगेस्ट एनिमी मैन ये कहानी है किसके बारे में ये कहानी है किस तरह वो एक दूसरे को मदद करते हैं उनके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ जो उनका दुश्मन कौन है उनका दुश्मन

Against their biggest enemy, man. So, their biggest enemy is man. Here are the four friends. One day, the mouse, the crow, and the deer were sitting under a tree and talking. Eggdin mouse, kawa, or heron. बैठ एक पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे थे सडनली अचानक से दे हर्ड स्ट्रेंज नॉइज अचानक से उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी स्ट्रेंज मतलब अजीब हर्ड मतलब सुनाई देना सडनली अचानक से दे हर्ड उन्होंने सुना स्ट्रेंज नॉइज एक अजीब आवाज इट वॉज देयर फ्रेंड द टॉटवेज वो किसका आवाज था वो उनके दोस्त टॉटवेज का आवाज था कछुआ का ही वॉज कॉट नेट वो कहाँ कहा था वॉज कॉट वो पकड़ा गया था इन हंटर्स नेट एक शिकारी के जाल में पकड़ा गया था ओ द डियर वट डू ई डू नाउ हिरन ने कहा ओ अब हम क्या करें आई हैव अ प्लान सेट द माउस माउस ने बोला मेरा एक प्लान है ही टोल द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान उसने कौआ और हिरन को अपने प्लान के बारे में बताया द थ्री फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टॉटविज अब तीनों दोस्त तैयार हो गए थे अपने दोस्त कछुए को बचाने के लिए The deer went near the tortoise. Deer, tortoise के करीब गया He लेट down on the ground and प्रिटेंड to be dead. वो उसके पास जाके लेट गया मिट्टी में और pretend pretend मतलब जताना या एक्टिंग करना एक्ट करने लगा एक्ट करने लगा टू बी डेड ऐसा एक्टिंग करने लग गया जैसे कि वो मर गया है The तो, crow फ्लो टूवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंड टू पिक एट हेम क्रो कौआ उसके पास जाके हिरन के पास उड़ के जाके जाके फिर से वो भी एक्टिंग करने लगा ऐसा एक्टिंग करने लगा जैसे कि वो कौआ हिरन को अपने चोस से मार रहा है क्योंकि मरे हुए को हिट करना इजी होता है तो ऐसे करने लगा जैसे कि वो मर गया है उसको मारने लगा पिक एट मतलब हिट करना मतलब चोट पहुंचाना अपने चोट से चोट पहुंचाने लगा द हंटर पिकड नेट विद द टॉटवेल्स इनसाइड इट हंटर शिकार ने अप मतलब उठाया पिक मतलब उठाना अपने नेट को अपने जाल को उठाया जिसमें टॉटवेल्स था एज ए स्टार्टेड वर्किंग होम ही सॉ दियर जैसे ही वो अपने घर के तरफ जाने लगा उसने को देखा डियर तो है लेट मी टेक इट होम ही था उसने सोचा चलो मैं घर ले जाता हूँ नेक टूवर्ड्स द डियर उसने ने जाल को नीचे रखा और वहां से हिरन की तरफ चलने लगा द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड ओवर द डियर डियर के ऊपर हिरन के ऊपर कौआ बार बार गोल गोल घूमने लगा ही फ्लैक्ट हिज विंग्स एंड डिड नॉट लेट द हंटर गो नियर हिम फ्लैक्ट फ्लैफ्ट मतलब फड़फड़ाना कौआ अपने पंख को फड़फड़ाने लगा जोर जोर से और शिकारी को के पास आने नहीं दे रहा था द माउस क्रॉल्ड अप टू द माउस हिरन ने रिंग कर टॉट के पास गया एंड स्टार्टेड बाइटिंग द नेट विथ हिस्सार्पट अपने नोखीले दांतों से जाल को काटने लगा वाइल्ड द क्रो कैप द हंटर बिजी जब कौआ शिकारी को बिजी रखा था द माउस सेट द टोट फ्री उस समय चूहे ने कछुए को आजाद कर लिया था फ्री फ्री मत आजाद कर लेना द माउस द्रोल्ड अप द टोटोज एंड स्टार्टेड बाइटिंग द नेट विथ हिज शार्प टिथ वेल द क्रो केट द हंटर बिजी द माउस सेट द टोटोज फ्री वंस द टोट हैड स्किप्ट जब भी कछुआ आजाद हो गया द क्रो लेट आउट लाउड कॉ कौ कौवे ने बहुत जोरों से चिल्लाया एंड फ्लू अवे वहां से उड़ गया द डेयर टू अप एंड रैन अवे क्विकली हिरन भी उठ खड़ा हुआ और वहां से जल्दी जल्दी भाग गया द हंटर व शॉक्ट हंटर ये सब देख के चौक गया शॉकड मतलब चौक जाना सरप्राइज हो जाना वो सर उसने देखा ये क्या हुआ ही वेंट बैक टू कछुए के पास लौट आया बट ही देखा हैड गन लेकिन उसने देखा जाल कटा हुआ है फटा हुआ है और टॉटवर्स वहां से भाग गया है वोटवर्स हैड एस्प्ड The crow let out a loud caw and flew away. The deer, too, got up and ran away quickly. The hunter was shocked. He went back to the tortoise. But he found that the net was torn and the tortoise had gone. Those friends were clever. If only I had not been so greedy. थॉट उसने सोचा क्या सोचा उसने शिकारी ने क्या सोचा उसने सोचा कि वो सारे जानवर क्लेवर क्लेवर मतलब चलाक वो सारे जानवर बहुत चलाक थे अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता अगर वो उसी में संतुष्ट हो जाता एक ही कछुआ लेके घर चला जाता हिरन के लालच में नहीं आता तो उसे कोई एक एनिमल तो मिल जाता

बेवकूफ बनाया ट्रिक्ट मतलब बेवकूफ जैसे आप लोग बोलो ना उल्लू बनाया उसी तरह ट्रिक्ट मतलब उसे बुद्धू बना दिया बेवकूफ बनाया द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री दे वर हैप्पी दैट दे द हंटर दे वर ट्रू फ्रेंड्स हु ऑलवेज हैल्प इच अदर वो लोग सच्चे दोस्त थे जो हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं सो फ्रेंड्स आवर चैप्टर इज फिनिश्ड इट्स अ नाइस स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप अबाउट ट्रू फ्रेंड्स सच्चे करना तो अच्छे से दोस्ती करना सच्चे दोस्त बनना ट्रू फ्रेंड्स जो एक दूसरे को हमेशा मदद करें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न द मीनिंग्स Pretended, pretended means acted, acting karna act Acted. ये भी past tense में तो answer भी हमें meaning भी हमें past tense में लिखना पड़ेगा. Pretended, acted. Pick at, hit with the beak Pick at means hit with the beak चोट se hit karna chot पहुँचाना. Towards, towards मतलब तरफ. Close to someone or something. ट मतलब किसी चीज के करीब जाना या किसी के करीब जाना टूअर्ड मतलब तरफ क्लोज टू समथिंग अ समवन फ्लैप्ड फ्लैप्ड समीन्स मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन वेरी फास्ट फ्लैप्ड फ्लैप्टीन्स मूव्ड द विंग्स अप एंड डाउन वेरी फास्ट बहुत जोर से स्पीड में पंखों को हिलाना स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मतलब बचना got अवे बचाना जाना greedy मत मतलब लालची टू वन टू मच ऑफ समथिंग ग्रीडी ट्रिक ट्रिक मतलब बेवकूफ बनाना मेट अ फुल ऑफ someone, किसी को बुद्धू बनाना नाउ डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन ए वन मार्क ट्रू टी और फॉल्स एफ ट्रू मतलब सच होगा तो टी लिखेंगे गलत होगा तो फॉल्स होगा तो एफ लिखेंगे नंबर वन द क्रो एंड द tortoise were enemies. कौआ और कछुआ दुश्मन थे नो no, रॉन्ग ये फॉल्स है तो क्या होता सही होता तो द क्रो एंड द tortoise were फ्रेंड्स फ्रेंड का फ्रेंड्स का ऑपोजिट एनिमीज यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा ऑपोजिट भी प्लूरल फॉर्म में होगा तो क्या होगा सही होता तो द क्रो एंड द टॉट बिगेस्ट एनिमी ऑफ द फोर एनिमल्स वॉज मैन उन चारों एनिमल्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था मैन यस इट्स ट्रू इंसान वो नंबर थ्री द डियर हैड अ प्लान टू सेव द टॉटवेज डेयर के पास प्लान था कछुह को बचाने का नहीं इट्स रॉन्ग ये फॉल्स होगा किसके पास था द माउस चूहे के पास द चूहा द माउस हैड अ प्लान टू सेव द टॉटवेज सही होता तो डेयर हट के माउस होता माउस के माउस पा, के पास प्लान था टॉटवेज को बचाने का नंबर फोर द हंटर वॉन्टेड द डियर टू शिकारी डियर को भी पाना चाहता था यस इट्स ट्रू ये टी होगा नंबर फाइव द क्रो स्टार्ट बाइटिंग द नेट टू फ्री द टॉटवेज कौआ नेट को जाल को बाइट करने लगा कछुए को बचाने के लिए नो इट्स फॉल्स कौए के पास तो दांत ही नहीं होता तो वो बाइट करेगा कैसे उसके पास तो चोच होता है इसके जगह क्या हो ये फॉल्स होगा ये एफ होगा सही होता तो क्या होता द माउस माउस के पास नोखिले शार्प टीथ होते हैं वो अपने दांतों से जाल को काट दिया तो क्या होता द माउस स्टार्टेड बाइटिंग द नेट टू फ्री द टॉर्टवे क्रो की जगह माउस लिखना था नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस ए वन कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन वाक्यों को कंप्लीट मतलब पूरा कीजिए नंबर वन द फोर फ्रेंड्स वेर चार दोस्त कौन कौन थे उनके नाम लिखना है द फोर फ्रेंड्स वेर द माउस द डियर द क्रो एंड द टोटविज कौन कौन फोर था माउस डियर क्रो एंड टॉटविज नंबर टू

क्या प्रिटेंट कर रहा था क्या दिखा रहा था मर गया है क्या एक्टिंग कर रहा था द डियर प्रिटेंड टू बी डेड मर गया ऐसा दिखा रहा था नंबर फाइव द क्रो फ्लू राउंड एंड राउंड गोल गोल घूम रहा था द डियर डियर के ऊपर गोल गोल उड़ रहा था चलिए कंप्लीट द सेंटेंस हो गया ए थ्री आंसर दिस क्वेश्चन नंबर वन विच टू एनिमल्स डेड द हंटर वंट टू टेक होम कौन से दो विच मतलब कौन सा कौन से दो जानवर शिकारी चाहता था अपने घर ले जाना किसको इसको लेके जाना चाहता था हिरन को और कछुए को तो क्या लिखेंगे द हंटर डेड है तो पास्ट टेंस में लिखेंगे द हंटर वन टेड चाहता था धोम

क्यों हम कह सकते हैं चारों जानवर सच्चे दोस्त थे क्यों कह सकते हैं द फोर एनिमल्स वाय ट्रू फ्रेंड्स बिकॉज दे हेल्प ईच अदर एट द टाइम ऑफ ट्रेवल मुसीबत के समय वो लोग एक दूसरे के मदद किए सच्ची दोस्ती वही होती है बी Do you know the names of different baby animals? क्या आपको पता है baby animals के नाम Look at these examples and do the activity. इन example को देखो और activity करो Cow, cow के baby को क्या कहते हैं Baby of cow is calf. C A L F L silent रहता है calf. Baby of deer is fawn. F A W N. Baby of duck is duckling. D U C K L I N G. Baby of hen is chick. C H I C K. Chick. Baby of cat is kitten. K I double -T, T E N. Kitten. Kitten. -E Baby of dog is puppy. P U double -P -P Puppy. Now, here our chapter is finished. Read the chapter carefully and learn the new words. 2. Rhyming words, quotient answers, opposites, one word answer, and fill in the blanks in the next video. Till then, thank you. Bye bye. If you like this video, please like, share, and subscribe. Thank you. Thank you so much.